सूबे के पूर्व परिवहन मंत्री संतोष निराला को हराकर चुनाव जीतने वाले राजपुर विधायक विश्वनाथ राम ने बताया है कि किस प्रकार उन्हें विधानसभा में पहुंचने से पूर्व ही फाइनेंस कर्मियों ने घेर लिया और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट ले लिए और उन्हें 47 लाख रुपए की फॉर्चूनर कार थमा दी। उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में बताया है कि किस प्रकार वो सहक गए, यानी कि बहक गए और बहकावे में आकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने पूर्व में ही बताया है कि उन्होंने खेत बेचकर चुनाव लड़ा था, ऐसे में 47 लाख रुपए की कार खरीद लेने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह कभी इसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन बेचारे बहक गए और बहकावे में आकर उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया। सुनिए विधायक जी ने क्या कहा। 8 लाख बढ़िया गाड़ी को लोन मिली हई मिली हो मिली तो हम कहने की भर जब खराब हुआ भर ले पास हो गए पास हो गए तो ले लेनी ऐसे मिलल फॉर्चूनर ई बा कहानी। बहरहाल यह तो बात हुई विधायक जी के इस खूबसूरत बहकावे की, लेकिन राजपुर क्षेत्र की जनता विधायक जी से यह उम्मीद कर रही है कि विधायक जी विकास कार्यों को लेकर किसी बहकावे में नहीं आएंगे और बिना किसी बहकावे के विकास कार्य की सभी योजनाओं को पूरा कराएंगे। हालांकि अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता की उम्मीद पर विधायक जी कितने खरे उतरते हैं।